जी और ये पूरी इस पर और अच्छा हुआ क्या था हम निकल रहे थे वहाँ से, तो एकदम 15-20 आए डंडे वगैरह लेके, तो गाड़ी डंडे मारने लग गए, लाइटें तोड़ दी और बदतमीजी से बातें कर रहे थे। गाड़ी के अंदर उस टाइम कौन कौन मौजूद थे? मैं था और हमारा एक स्टाफ में और था साथ में। इन्होंने आते ही पहले भी हम बोनट पे डंडे मारने शुरू करे, शीशों पे भी, और इन्होंने पूरी गाड़ी को परली साइड से भी कर रखा। कितने लोग घायल थे कम से कम तुम्हारे? उस टाइम में ये थे 5-6 लोग थे उसी टाइम, तो हम फिर वहाँ से निकल गए। मैडम देखिए मामला कुछ नहीं हुआ, हम लोग जनसंपर्क कर रहे थे और कुछ लोग बदतमीजी के साथ, मैं कहूँगी कि जो गुंडे लोग जो थे, जो सपा और आरएलडी के जो लोग थे, उन्होंने इस तरह की बदतमीजी की और रात चलते हुए महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए, गांव के लोगों के ऊपर डंडे बरसाए, जबकि किसी ने कुछ भी उनको नहीं बोला था और उनके ऊपर डंडे बरसाने, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाती है, उनकी हार का नतीजा है जो इतना फ्रस्ट्रेशन वो दिखा रही है। चल रहा चलते हुए लोगों के ऊपर अगर आप डंडा बरसा रहे थे, गुंडागर्दी नहीं तो क्या? कहाँ गए थे आप और किन के साथ प्रचार कर रहे थे, पूरा थोड़ा वाक्य बता दीजिए। गांव के दबतवा गांव के अंदर मैं गई थी, मेरे अपने लोग भी थे वहाँ पे और मनिंदर पाल सिंह जी की वाइफ भी थी, सिंपल फोगाट मेरी बड़ी बहन है, वो भी साथ में थी और बहुत सी हमारी महिला मोर्चा की महिलाएँ थी और गाँव की महिला थी, उनको यहाँ तक की धमकी भी दी गई, पहले भी धमकी दी गई, उन्होंने मुझे बाद में बताया, ज्योति चौधरी गांव की महिला है तो उन्होंने बताया कि बहन मुझे धमकी भी दी गई है कि इनका प्रोग्राम नहीं कराओगे, लेकिन उन्होंने फिर भी महिलाओं की इतनी भारी तादाद के अंदर उन्होंने बिना डरे हुए उन गुंडों से ना डर कर और अपनी बहन का स्वागत किया और उन्होंने समर्थन, उन्होंने महिलाओं के साथ मिल के समर्थन दिया और एक हुंकार भरी कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दें। हमलावर कितने लोग थे करीबन? ये महिलाएं समझ चुकी हैं कि महिलाओं के आत्म सम्मान के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे गुंडों से छुटकारा हमें पाना है और वे महिला अकेली उन सब लोगों से लड़ रही है। उन्होंने बड़े दबंगे के साथ मुझे कहा कि बहन आप डर के मत जाइए, हम लोग खड़े हैं, आपको यहाँ से जिता के भेजेंगे। तो मुझे अपने लोगों के बीच में जाकर मुझे इतना गर्व महसूस हुआ, जब ऐसे गुंडा जो लोग हैं ऐसी गुंडागर्दी का माहौल बनाते हैं, ऐसे लोगों से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है। कितने हमलावर थे और किन लोगों तक की चोट आई है आपके साथ जो थे? एक दो महिला को भी चोट आई है और गांव के 4-5 लोगों को भी, उनके सिर भी फोड़े गए हैं, उनके काफ़ी उन लोगों को चोटें पहुंची हैं, तो वो लोग FIR दर्ज करवाने थाने में गए हुए हैं, आई थिंक होगी शायद, और मेरी बात हो रही है तुरंत, तो उन्होंने कहा कि हम थाने में ही हैं और अगर कुछ भी हुआ तो हम आपको बताएंगे, और जिस तरह की बदतमीजी उन लोगों ने की है, गुंडागर्दी दिखाई है, तो ये बताता है कि अजीत सिंह चौधरी जी ने जो शब्द कहे थे ना कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा समझो उस गाड़ी में बैठा गुंडा, और आज जयंत चौधरी भी उसी गुंडों की गाड़ी में जाके बैठ गए हैं और उन्होंने भी ये साबित कर दिया है कि जो जयंत चौधरी अपने संस्कार भूल कर, जो उनके माँ बाप ने उनको संस्कार दिए थे, शायद वो संस्कार भूल गए हैं और संगत का असर दिखाने लगे हैं। ये सिवालखा सीट पे कई बार भी पहले भी हो चुका है, क्या समझते हैं इस बात को, है क्या हुआ ये? तो वास्तव में आप लोग खुद देखेंगे कि अगर कोई आदमी सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र जो सरधना थाने के अंतर्गत आता है, वहाँ पर आज एक सत्येंद्र नामक व्यक्ति के घर पे इंटरनेशनल प्लेयर हैं बबीता फोगाट जी, वो चुनाव प्रचार के लिए गई थी, उसी समय दूसरे एक राजनीतिक पार्टी के लोगों में से एक व्यक्ति वहाँ आकर के वीडियो बनाने लगा, इसी समय जो सत्येंद्र है उनके द्वारा विरोध किया गया, दोनों में आपस में हाथापाई मारपीट की घटना हुई है और इस मामले में बता दिया गया है कि जो भी ये तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा। फिलहाल बबीता फोगाट जी के साथ ऐसा कोई अभद्रता, कोई ऐसी चीज़ प्रकाश में अभी तक नहीं आई थी, उनसे कहा गया कि अगर वो चाहें तो जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। थैंक यू। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।